मैं सांसद बोत्रा, आप देख रहे हैं साइन न्यूज अपडेट। जैसे कि आप जानते हैं कि कल जो एक घटना घटी है कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र में आतंकी और सैनिकों के बीच मुठभेड़ के कारण हुई एसपीओ की मौत की खबर सुनते ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके घर वाले जो है रोते हुए उनको याद कर रहे हैं। आपको बताते चले कि एसपीओ शहबाज अहमद अपनी बहादुरी और ईमानदारी की छाप जो है वो छोड़ गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के जवान हमेशा सरहदों पर डटे रहते हैं चाहे कुछ भी हो, और जिस तरह से कल कश्मीर में मुठभेड़ में एसपीओ शहबाज अहमद का देहांत हो गया है, उसके बाद की तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनके परिवार वाले एसपीओ शहबाज अहमद का इंतजार कर रहे हैं और रोते हुए उनको पुकार रहे हैं। आज बड़ी दुख की घड़ी है कि हमारे मोहतरम और अजीज जनाब अब्दुल अजीज साहब के बेटे जो शहबाज अहमद साहब, जिनका इंतकाल हो गया एनकाउंटर में श्रीनगर के अंदर, तो इनका बच्चा जो था वो बड़ा ही दलेर था, बहादुर था, जो इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। हालांकि बहुत सारे नौजवान ऐसे भी होते हैं कि जो ऐसे मौक़ों पर पीछे रहते हैं या श्रीनगर की तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन उसकी बहादुरी ऐसी थी और इतना बड़ा दिल वाला था वो कि उसने अफिसरान को ये कह के कि मुझे श्रीनगर के अंदर भेजा जाए, वो यहाँ से गया और वहाँ पर उसने बहुत सारे कारखाने नुमाया अदा किए। और कल का, जैसे कि आपको पता है कि कल जो हादसा हुआ, इनकाउंटर हुआ, उसके अंदर उसने जाम शहादत नोश किया, तो ये उसकी बहादुरी है। हम उसकी बहादुरी को सलाम करते हैं और हमें फ़ख्र है और इनको भी फ़ख्र है कि इनका बेटा जो है उसने अपने मुल्क के लिए अपने खून का आखिरी कतरा जो है वो पेश कर दिया है। जोरी के लिए भी एक बड़ी सादतमंदी की बात है कि हमारे नौजवानों के अंदर ऐसा जज्बा है, और नहायत ही बहादुर बच्चा था वो, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। देखा जाए कि यहाँ के इस लड़के को जो शहीद हुआ है, इसको वॉलंटरी तौर पर ये होकर गया है उस श्रीनगर में मिलिटेंसी में काम करने के लिए, तो देखने की बात यह है कि इसने इतने जोश और वलवले के साथ अगर ये कश्मीर में गया है तो इसने अपनी वतन की खातिर अपनी जान जो है कुर्बान की, तो इसके नाम पर भी कोई यादगार बनाई जाए और इनके भाइयों को वो